हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज, आज है जन्माष्टमी। आज श्री कृष्णा जी का जन्म हुआ था, तो मॉर्निंग का टाइम था। आज मेरा फास्ट था और फिर मैं नहा धो के पूजा करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो रही है, मतलब साफ़ सफाई वगैरह। भगवान जी को नहला रही हूँ मैं। उसके बाद से नहलाने के बाद फिर मैं उनके साफ़ सफाई करती हूँ, उनका कपड़े उपड़े जो भी वो पहनाती हूँ। यहाँ पे मैं सारे भगवान जी को नहला रही हूँ। अब यहाँ पे आगे कान्हा जी की बारी। अब यहाँ पे मैं शहद, दूध और कहते फूल वगैरह से दूबे वगैरह जो भी वो चढ़ते हैं वो डालने के बाद मैं उनको चढ़ाती हूँ, नहलाती हूँ बहुत अच्छे से। उसके बाद से मैं ये शिवलिंग में दूध वगैरह चढ़ाती हूँ। फिर यहाँ पे हनुमान जी की बारी आ गई, फिर कन्हैया जी की बारी आ गई। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह करती हूँ। तो गाइस, आप बताना आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, और आप मुझे कमेंट में बताना आप लोगों का भी फास्ट है या नहीं है। तो गाइस, टाइम नहीं था जिसकी वजह से वीडियो एक दिन बाद में आ रही है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने किस टाइप से श्री कृष्णा जी का जन्मदिन मनाया। अब यहाँ पे मैं साफ़ सफाई वगैरह कर रही हूँ, थोड़ा स्लीप वगैरह पोछ रही हूँ, क्योंकि सफाई तो बनती है। फिर उसके बाद से आ जाती है तैयारी की। फिर यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को अच्छे से, कान्हा जी को अच्छे से साफ वाफ करती हूँ। फिर उसके बाद से मैं जितने भी मेरे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह थी सबको मैं एक एक करके साफ़ वगैरह करती हूँ, और यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाती है मेरी। तो साफ़ सफाई होने के बाद मैं फिर से यहाँ पे चुन्नी वगैरह बिछाती हूँ। ये देखिए गाइस, फिर मैं कान्हा जी के लिए मैं जो कपड़े लाई थी ना, फिर वो ये देखिए कपड़े लाई थी पीले वस्त्र, फिर उनको पहनाती हूँ। ये मैंने उनको पहना दी, कान्हा जी मेरे तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे उनके लिए जो मैं सामान वगैरह लाई थी ना, चुनरी, मुकुट और क्या कहते हैं, ये देखें माला और कान के जो भी थे ना, ये मैंने यहाँ पे इनको पहना दिए, मुकुट वगैरह। ये देखिए ऐसे मैंने इन्हें पहना दी है। और ये है हाथ में पहनने वाले, तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले कान्हा जी को पहना देती हूँ, क्योंकि ये वाले लड्डू गोपाल मेरे बहुत छोटे हैं, तो मैं उनको कान वान के कुंडल वगैरह सब पहना देती हूँ। फिर जाके मैं इनको रेडी करने के बाद इनको यहाँ पर बैठाती हूँ। देखिए कान्हा जी, ये देखिए यहाँ पर मेरे कान्हा जी हो गए हैं तैयार। फूल वगैरह मैं डाल देती हूँ लड्डू गोपाल में। फिर जाने के बाद मैं यहाँ पर शिवलिंग रखती हूँ, उसमें दूध चढ़ाती हूँ, पानी वगैरह जो भी चढ़ाने के बाद फिर मैं यहाँ पर दिया जलाने की तैयारी करती हूँ गाइस। तो फिर मैं दिया जलाती हूँ, रूई वगैरह लेके। फिर यहाँ पर मैं आरती वगैरह करती हूँ, पूजा। ये देखिए अब जाके मैंने यहाँ पर दिया जला दिया है। मैं पूजा करती हूँ, यहाँ पे भगवान जी को रखती हूँ अच्छे से, उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं फिर एक दूसरा दिया भी जलाती हूँ, और यहाँ पे मैं टीका वीका लगाने के लिए सामग्री रख रही हूँ। तो हमारे इसमें होता है कि जब भी आप टीका लगाओ उससे पहले अपने आप को लगाया जाता है। अपने आप को लगाने के बाद यहाँ पर मैं मंदिर में ओम वगैरह बनाती हूँ, फिर जाके मैं शिव जी को लगाती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ से भी मैं जितने भी भगवान जी हैं उन सबको मैं टीका वगैरह लगाती हूँ, फूल वगैरह चढ़ाती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। जैसा आपने अभी तक साथ दिया है वैसे ही साथ हमेशा रहें और सबकी रक्षा करें। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मेरे आ चुके थे जो कि मैं ला गई थी, केले वगैरह मैंने चढ़ाए। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पर सेब वगैरह, केले बहुत हो गए थे क्योंकि मौसी भी ला गई थी और मैं भी ला गई थी। फिर यहाँ पे मैं सामान खोलने रहा था, सामान खोलने के बाद सेब वगैरह मैं रखती हूँ, मंदिर में चढ़ा देती हूँ। फिर मैं और जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब अलग रख देती हूँ। फिर जाके यहाँ पे मैं सफाई करती हूँ, सफाई मेरी हो जाती है। फिर देखिए यहाँ पे मेरी शिव जी वगैरह मंदिर है बहुत ही प्यारा सा, ये देखिए ठीक करके लगाने के बाद फिर जाके मैं बैठती हूँ, भगवान जी को बोलती हूँ भगवान जी मेरी मनोकामना पूर्ण करना। यहाँ पर मैं कान्हा जी को मनाती हूँ,
आपको हैप्पी वेडिंग मास्टर मोमेंट कहते हैं, आपने मेरी पूजा हो गई है और ये मेरे भगवान जी हैं। फिर जाते हैं सारा से बात करते हैं, फिर यहाँ पे गाइस मैं ये करने के बाद आ जाती हूँ कि गाइस मैं आगे अपने क्या कहते हैं किचन में, यहाँ पे मैं बनाती हूँ बनाना शेक। बनाना शेक बनाने के बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ बनाना शेक, फिर मैं मिलती हूँ आपको तैयार होके, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस भी यहाँ पे मंदिर, फिर से मैं आ जाती हूँ मंदिर में। मंदिर में आने के बाद यहाँ पे मंदिर दिखाती हूँ अपना, फिर जाके गाइस मैं तैयार हो जाती हूँ अपने ऑफिस के लिए। ये देखिए आज का मेरा ड्रेसअप ये है, आज का मेरा जो भी लुक है ये है, ऑरेंज कलर का मैंने प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ था, इसमें बहुत प्यारी सी लग रही थी। ये देखिए मैं यहाँ पे तैयार हो गई, अब मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस से निकलने के लिए रास्ते में मुझे मिल जाता है टुक टुक, फिर मैं निकलती हूँ अपने टुक टुक से, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 10 बज चुके थे और मैं पहुँची नहीं थी। फिर मैं ऑफिस पहुँच जाती हूँ, वहाँ पर आ जाती है चाय, फिर मैं चाय पीते हुए अपना काम भी करती हूँ और चाय का चुस्की लेते हुए मज़े लेती हूँ। ये देखिएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा चाय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना चाय के मैं रहती नहीं हूँ। सो गाइस अब मुझे बताना कि आपकी जन्माष्टमी कैसे रही। तो फिर मैंने ऑफिस जाके थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया, जैसा कि वो फ़ोटो में दिख रहे हैं, ये मैंने फ़ोटोशूट किया। फिर जाके थोड़ा बहुत काम करने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। काम करने के बाद तो गाइस यहाँ पे मेरे आ जाते हैं एक पार्सल। पार्सल आने के बाद मैं पार्सल को अनबॉक्सिंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने मंगाए थे चप्पल जो कि 1 महीने बाद आ रहे हैं, डिले डिले होने के बाद फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मेरी स्लीपर आ चुकी थी। तो गाइस आप मुझे बताना कि आपको मेरी स्लीपर कैसी लगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अनबॉक्सिंग करती हूँ नेक्स्ट वाइज, यहाँ पर मैंने मंगाई थी स्लीपर जो